ए भाई, प्रभु यीशु मसीह मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। प्रभु यीशु मसीह, मैं तो एक पापी मनुष्य हूँ, पर मैं आपके पीछे कैसे आ सकता हूँ? मैं आपके पीछे कैसे चल सकता हूँ? मैं बहुत बड़ा पापी मनुष्य हूँ प्रभु यीशु मसीह। तुम डरो मत, अब से तुम लोगों को मेरे पास लाओगे। क्या सच में प्रभु यीशु मसीह? अब मुझे तो बहुत अंदर से खुशी महसूस हो रहा है कि आज अब मुझे आप इनवाइट कर रहे हैं कि मैं आपका काम करूं और आपके बारे में लोगों को बताऊं। प्रभु यीशु मसीह, इसका तो मुझे दिली तमन्ना था, खुशी था कि मैं आपका काम करूं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, पहले हम अपनी मम्मी को, पापा को और अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को सबके बोल दूँ कि मैं जा रहा हूँ अब प्रभु यीशु मसीह का काम करने। हाँ, ये मैं बोल देता हूँ तब मैं आपके पीछे होता हूँ। हाँ, एक मिनट प्रभु यीशु मसीह, मैं बोल कर आता हूँ। जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यदि कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो वो स्वयं से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो कोई मुझसे और मेरी शिक्षाओं से लजाता है तो मैं भी अपनी और पिता की व स्वर्ग दूतों की महिमा सहित जब आऊंगा तो उस मनुष्य से लजाऊंगा। अच्छा प्रभु यीशु मसीह, अब हम समझ गए हैं। यानी कि जो कोई आपके पीछे चलना चाहे और आपके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहे, आपकी शिक्षाओं पर चलना चाहे, जो आपने वचन दिया है, वचन से सिखाया है, उस पर लोग चले और लजाता है उस पर वचन पे चलने के लिए, और अंदर से वो लजाता है, शर्माता है कि हम कैसे उसके प्रभु यीशु मसीह आपके वचन पे चले, ऐसे सोच के लजाता है, तो वो परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं है। अच्छा, और जब आप आइएगा तो आप उन लोगों से, उन लोगों पे मतलब लजाइएगा, आप उन पे लजाइएगा। आप समझ में आया? क्या ये यही बात है ना प्रभु यीशु मसीह? तुमने ठीक कहा,